मैं ही नहीं, देखिए हर कोई अपने अपने कामों में लगा है। ये मेरी सुंदर सी देवी ईजा। ओ ईजा क्या कर रही तू? अच्छा मम्मी कह रही है गुड़ाई नहीं करी, अभी घास निकाल रही हूँ करके। हेलो हेलो नमस्कार। हेलो अरे हाय नमस्ते कर दो। ओ ईजा ये कौन आया? देखो कौन आया, कौन है? ओ ईजा ओ ईजा ओ ईजा ओ बाबा ओ बाबा, इतना सुंदर इतना सुंदर बाबू। हाँ ये बड़बाजू अपने नाती को घुमा रहे हैं, अभी बड़बाजू की ड्यूटी लगी है। बल है बड़बाजू? मम्मी कह रही है दादा दादी उनका ही फायदा होता है, देखो नाती कितनी चीजें घूम रहा है। वो कैसे घुमा रहे थे अपने नाती को ना? हाँ दादा दादी होने का फायदा है। उसके मम्मी पापा को कोई चिंता नहीं है। डेली का काम है उनका, एक एक घंटा घुमाते हैं। है तो मेरे दादा दादी नहीं थे ना मम्मी? मुझे किसने घुमाया? किसी ने नहीं, तेरे को अंदर रखा था, किसी ने नहीं खिलाया, तेरे दादा दादी थे ही नहीं। हाँ तो हम लोग तेरे को बंद करके खेत में चले जाते थे काम करने। मेरे को खेत में बंद, मेरे को बंद करके खेत में? बताओ यार हमने कैसे दिन देखे है ना। तो मम्मी इस हिसाब से तो आजकल के बच्चे बहुत लकी हुए यार। लकी है ना आजकल, कोई माँ बाप छोड़ता नहीं, दादा छोड़ते नहीं, पूरे टाइम साथ में रहते हैं ना। तेरे को भी, हर्षित को भी, दोनों को। हाँ बंद करके, कुंडी बंद करके, जब छोटे थे तो डलिया में सुला के जाते थे। ओ फिर उसके बाद डर भी लगती थी। हाँ कहीं गिर गए, कहीं गिर। तो डलिया में सुला के कहाँ रखते थे? मतलब अंदर काउंटर में? तो कभी गिरे हुए नहीं मिलते थे हम लोग? मिलते थे जब थोड़ा बड़े हुए थे। बताओ यार फिर उसके बाद नीचे सुला दिया, फिर नीचे से कहीं नीचे गिर गए घर से? दरवाजे बंद रहते थे, मतलब हमने रोते रहते थे। रोते रहेंगे कैसे दिन देखे हैं मम्मी? हमने साफ करके रहेंगे। हाय हाय फिर आप साफ करते थे? हाँ आके करते थे, करना। हमने भी कैसे कैसे दिन देखे हैं ना। और ये देखिए मेरे कुछ पार्सल जा रखे हैं, कुछ कुछ सामान मंगाया मैंने, तो इसका बनाऊंगी मैं अनबॉक्सिंग वीडियो। आपके पास देखिए पैकेज है ना? हाँ ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। पहले के सिर्फ औरतों ने नहीं, पहले के बच्चों ने भी कष्ट झेला हुआ है। नहीं बताओ। अच्छा मम्मी लिटरली हमें ना डलिया में, गाय के गोठ में, गाय के साथ बात के चले जाती थी रख के, मतलब। तो हमने भी दिन देखे हैं, मतलब हमने नहीं देखे लेकिन हमारी ईजा बाजू ने हमारे दिन देखे और हमने एक्सपीरियंस किया। दोस्तों आज मेरी डांस क्लास की छुट्टी थी, तो मेरा गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैंने बनाई अपने लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और मैं इसको पी लेती हूँ। भाई साहब मेरा गला, फेफड़े सब जल जाएंगे सब। तो यूजुअली मैं चाय पीती नहीं, मतलब पीती हूँ सर्दियों में, गर्मी में तो बिल्कुल नहीं, और वैसे भी नहीं पी पाती क्योंकि पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, सुबह से ये वो इधर उधर काम, शाम का जब चाय पीने का टाइम होता है तो मैं डांस कर चला, तो मतलब छुट्टी वाले दिन ही पी पाती हूँ। एंड चाय इज लव यार। और सर्दी में तो चाय पीने का वो भाई साहब वो कड़ाकेदार ठंड में चाय का क्या मजा आता है। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ और साथ में जो मेरे फेवरेट हैं जीरे वाले बिस्किट, सो आई लव जीरे वाले बिस्किट विद चाय, तो ये जीरे वाले बिस्किट डिप करके खाएंगे। एंड इस चाय के साथ ये बेसन वाली नमकीन बड़ी अच्छी होती है, जो बेसन वाली नमकीन नहीं होती, सिंपल बेसन, ये दिस इज वेरी नाइस विद चाय, कभी ट्राई करना। चांचला माय चाय बिस्किट नमकीन। अरे पापा हमें बुला लेते यार, काहे को कष्ट किया। और पापा जी को हमने पिलाई है काली चाय। आप कमेंट्स में बताना कि आपको चाय के साथ कौन से बिस्किट पसंद है। पार्ले जी भी अच्छे होते हैं पर ये, हाँ वाह गरम। हाँ हर्षित ने मिंत्रा से मेरे लिए कुछ 5-7 कपड़े ऑर्डर किए थे, पता नहीं इसको मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा था, यार इसको कुछ चाहिए मुझसे, आई डोंट नो बट ही ऑर्डर। अरे यार भाई बहुत सही है हर्षित, पर ये मेरे पे आएगा नहीं पता है, इसके लिए कटरीना कैफ वाली फिगर चाहिए भाई, उन्हीं में अच्छा लगता है ये भैंस वाली फिगर में अच्छा नहीं लगेगा भाई, पर बहुत सही है यार। इसका कलर कितना प्यारा है भाई, बहुत प्रिटी भाई, बहुत नाइस नाइस। हाँ स्ट्रेचेबल तो है लेकिन सही है, अच्छा है, नाइस, थैंक यू थैंक यू हर्षित। तो यही प्यार हमें शादी के बाद करेगा? नहीं मुंह पे ही बोल देता है। मैं जस्ट अभी स्टीम लेकर हटी हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारे भारत के हुनर बच्चे। यहाँ पे कुछ लोग भारत के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, कुछ लोग भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और जो हमारे घर के बच्चे हैं। चंदू आ गया रे चंदू, मैंने तेरे बारे में थोड़ी बात करी थी। ओए बाबा रे, ओ बाबा रे, ओ बाबा रे, ओ बाबा रे, इतना खुची, इतना खुची, अरे बाप रे, ओए ओए ओए, अरे 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 चंदा, अरे डरा मत यार तू मेरे को। अच्छा हैंडशेक लाओ 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 लाओ, ओ बाबा, ओ बाबा, इतनी खुशी, इतनी खुशी, ओए माता पिट्टे, अरे तू कहाँ से आई? अरे बाप रे, ओले बाप रे, कहाँ से आए तुम दोनों? अरे 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 चंदू 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 क्या कर रहे हो यार तुम दोनों, क्या कर रहे हो? अच्छा तुम दोनों क्या कर रहे हो? अच्छा ओ बाबले, ओ बाबले, ओ बाबरे, इतना खुशी हो रहा है लवी मेरे को देख के, क्या है क्या है?
नहीं खेलना मेरे को तेरे साथ। अरे क्या है क्या है, नहीं खेल रहा मैं तेरे साथ, नहीं खेल रही, नहीं खेल रही चंदो। ओ बाबू तेरे साथ खेलू, हाँ हाँ तेरे साथ ही खेलो। और ये देखिए ये हमारे भारत के हुनर बच्चे घर के अंदर बैठ जाते, घर के बालकनी में बैठ। सो अच्छा आज डिनर का प्लान देखा, तो बेसिकली आज पप्पू हमें डिनर कराने वाला था, मैंने मम्मी को बोल दिया हम लोग के लिए खाना ना बनाए। ठीक है कोई बात नहीं, आज हम तुझे निकलवाएंगे। ये लवी को देख कितना कमजोर हो गया ना इसका चेहरा देख। हाँ बाबू करती हूँ तेरे से बात अभी, रुक जा। कमजोर नहीं लग रहा इसकी शक्ल, शक्ल देख रहा उसकी। मुझे लग रहा है किसी लड़की का चक्कर है वो, उससे यू नो डिप लड़कियां क्या करती है थोड़ा स्ट्रेस आउट कर देती है ना, बात बात नहीं कर रही होगी, इसको टेंशन दे रही होगी तुम। इसके बाद कुछ कंटेंट नहीं रहता इसी में आ जाती है। इसकी स्क्रीन बता क्या, इसके ब्लॉग में जो तूने डाला था कुछ आया मैसेज यार, तो मेरे को तेरा खर्चा नहीं होगा ना ये। वो पहले भाग गई, अभी देखा ये भैंस के पीछे कुत्ते भाग रहे हैं। आजकल भागते नहीं बाद में आई हूँ अमृता आंटी के घर में, अमृता कौर क्या नाम है उनका पूरा, अमृता है सैफ अली खान की पहली बीवी। कितना 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 राजवाड़ा कितना महल है आपके पास ये बताओ, जोड़ती है। अरे आंटी आपकी शक्ल सेम ऐसी लगती है गाइस, आप कमेंट करके बताना कि आंटी सेम अमृता की तरह लगती है कि नहीं लगती, जो सैफ अली खान की पहली बीवी थी। ये है सारा अली खान की माँ और बहुत सिंपल लाइफ जीती है, इनका अपना पार्लर है। इन्होंने सैफ अली खान को त्याग दिया, इन्होंने बोला जाओ मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, तेरे महल। आंटी कह रही है क्या बकवास, आंटी बकवास बातें ही करनी होती है, अच्छी बात क्या करूं मैं आपसे। और आंटी घर बच्चे कैसे हैं, बीवी बच्चे सब ठीक और खाना पीना सही चल रहा है। तो आज मेरे ये थोड़ा आईब्रो काफी टाइम हो गया सी, जो मेरा ये लकी हेयर है ना, लकी तो क्या ही है खैर कुछ नहीं है, बट इनको थोड़ा निकलवाने आई थी प्लस थोड़ा ग्रूमिंग एंड स्टफ। ये देखिए दोस्तों आंटी ने मुझे इतनी बढ़िया धमकी दी है, इससे पता लगता है कि बाप से पंगा नहीं लेना चाहिए ना, बड़ों से पंगा नहीं लेना चाहिए। अब सारी कमान तो आंटी के हाथ में है, तो आंटी ने बोला कि रुक मैं तेरे, आंटी आज वैक्स ट्राई कर रही है यहाँ पे, तो आंटी ने बोला मैं तेरा सारा आईब्रो भी उड़ा दूंगी, फिर नहीं बोलेगी तू आगे से अमृता अमृता करके, नहीं बोलूंगी आंटी मुझे माफ कर दे। चांदना मेरा माथा आज चांद की तरह चमक रहा है आंटी, देख रहे हो मेरे जो लकी हेयर्स थे यहाँ पे मैंने उड़ा दिए क्योंकि वो कुछ लक दे नहीं रहे थे। सो नाउ आई एम ऑल क्लीन, तो अब मैं अपने पार्लर से जाऊंगी घर पैदल, और ये मेरे डांस क्लास से और आगे था, मतलब मैं घर से डांस क्लास पैदल आती हूँ और ये डांस क्लास से और 1 किलोमीटर आगे होगा, तो आज मुझे इतनी दूर से अब घर पैदल जाना है, तो मतलब मेरी आज प्रॉपर एक्सरसाइज हो गई। आज ये घर के पास मेरी मंडी लगी है, तो थोड़ा बहुत मैं पालक संतरी कीनू वगैरह लेने के लिए आई हूँ, अगर मिलते हैं तो।